नमस्कार, आप देख रहे हैं पांच की बात। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर गोरखपुर से है। सीएम योगी की सीएए पर जनसभा को लेकर बैठक। जनसभा को लेकर बीजेपी पदाधिकारियों के साथ में बैठक हुई है। सीएम ने गोरखनाथ मंदिर के तिलक हॉल में बैठक की है। 19 जनवरी को महाराणा प्रताप के ग्राउंड में होगी जनसभा। आज गोरक्षनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम भी करेंगे सीएम योगी। तो गोरखपुर पहुंचे हैं और तिलक हॉल में पहले बैठक ली है सीएए को लेकर। गोरखनाथ मंदिर में ही आज उनका रात्रि विश्राम होगा। 19 जनवरी को महाराणा प्रताप के ग्राउंड में होगी जनसभा। आज गोरक्षनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे सीएम योगी। बीजेपी पदाधिकारियों के साथ सीएम ने की बैठक। सीएए पर जनसभा को लेकर सीएम योगी ने की है बैठक। जनसभा को लेकर बीजेपी पदाधिकारियों के साथ में सीएम योगी ने की है बैठक। तस्वीरें आप गोरखपुर की देख रहे हैं। तिलक हॉल के अंदर सीएम योगी ने बैठक ली है। गोरखनाथ मंदिर के तिलक हॉल में सीएम योगी ने की बैठक। 19 जनवरी को महाराणा प्रताप के ग्राउंड में होगी जनसभा। तो देखिए 19 तारीख को होने वाले कार्यक्रम को लेकर पहले बैठक की जा रही है। गोरखनाथ मंदिर के तिलक हॉल में बैठक हुई है। 19 जनवरी को महाराणा प्रताप ग्राउंड में जनसभा होगी सीएए को लेकर। आज गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम भी करेंगे सीएम योगी। सीएम योगी की सीएए पर जनसभा को लेकर बैठक। 19 तारीख को होने जा रही जनसभा से पहले गोरखनाथ मंदिर के ही तिलक हॉल में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की पदाधिकारियों संग बैठक। लगभग मेरे जो आंकड़ा है वो उसमें वोटर 20,000 है जी, लेकिन मैं मानता हूँ ये समथिंग 20-22,000 के लगभग ही नागरिकता लोगों को मिलेगी और इससे एक नई दिशा इस देश में और इन लोगों को मिलेगी। नागरिकता दिलवाने के लिए मैंने अपनी एक टीम बनाई है जो पूर्ण रूप से मैंने अपने कार्यकर्ता यहाँ पर लगाए हैं बंगालियों के साथ। और मैंने ये कहा है कि जहाँ कहीं कानूनी रूप से कोई अड़चन आती है तो उस कानूनी अड़चन के लिए वो मेरे पास आए, मैं उनका समाधान जो भी होगा, क्योंकि जो 14 ऑप्शन दिए हैं सरकार ने जी, उस 14 ऑप्शन में से एक दो जो भी हो, एक दो तीन वो होते हैं इनके पास हैं, जैसे पहचान पत्र, आधार कार्ड या इस तरीके से कुछ हैं वो, इसके माध्यम से अभी कोई अड़चन इनको आई थी तो मैंने जिलाधिकारी महोदय से बात करके उसे दूर कराने की कोशिश करेंगे और अपनी टीम लगा करके संपूर्ण रूप से बंगाली समाज ही नहीं, जो भी मेरी विधानसभा में और भी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, वो यदि इस कानून के अंतर्गत आता है तो उसको नागरिकता मिलेगी। तो जनसभा को लेकर बीजेपी पदाधिकारियों के साथ में सीएम योगी ने बैठक की है और तस्वीरें भी आप देख रहे थे, तिलक हॉल की तस्वीरें हैं। जब पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई 19 तारीख को जनसभा आयोजित है और उसी जनसभा को लेकर यहां पर पहले बैठक ली गई पदाधिकारियों के संग। और देखिए इससे पहले गोरखनाथ मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम योगी ने गुरु गोरक्षनाथ के दर्शन किए। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन भी अर्पित किया। हमेशा की तरह सीएम योगी ने गुरु गोरक्षनाथ के दर्शन किए पहले, उसके बाद ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि स्थल पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए, उसके बाद बैठक ली। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस दौरान की। तो देखिए ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए, गोरक्षनाथ बाबा के दर्शन किए सीएम योगी ने, गुरु गोरक्षनाथ के दर्शन किए। तस्वीरें आप उस दौरान की देख रहे हैं जब गोरक्षनाथ मंदिर में पहुंचे। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित किए। गोरखनाथ मंदिर में पहुंचकर योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोरक्षनाथ के दर्शन भी किए। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि स्थल पर पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया, उसके बाद पदाधिकारियों संग तिलक हॉल में बैठक की। 19 तारीख को होने वाले कार्यक्रम को लेकर तो फिलहाल गोरखपुर में है सीएम योगी आदित्यनाथ। इससे पहले आज एक अहम फैसला लिया है लखनऊ में कैबिनेट बैठक के दौरान में।
और अब सीधे गोरखपुर पहुंचे हैं। गोरखपुर में ही आज उनका रात्रि विश्राम होगा, लेकिन पहुंचते ही पहले गोरखनाथ मंदिर में गोरक्षनाथ के दर्शन किए और उसके बाद साथ ही साथ ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि स्थल पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। चंदौली में विपक्ष पर बरसे हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कमिश्नर प्रणाली पर भी बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, सपा बसपा में इच्छा शक्ति का अभाव था, इस कारण पुलिस कमिश्नर स्मार्ट पुलिसिंग के संचालन का निर्णय नहीं हुआ। आज योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कैबिनेट में फैसला लिया है। पहले चरण में हम लखनऊ नोएडा के अंदर लागू कर रहे हैं व्यवस्था, भविष्य में हमारी ये सेवा सफल होगी, हमें ऐसा विश्वास है। अन्य शहरों में सेवा को बढ़ाने में हम कामयाब होंगे। पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लेकर मायावती के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य ने हमला बोलते हुए कहा कि अब मायावती यूपी में तीसरे नंबर की पार्टी है, वो पहले नंबर की पार्टी की तरफ बयान ना दें। पहले नंबर की पार्टी जो काम अच्छा कर रही वो करेगी, गुंडे के खिलाफ कार्रवाई करेगी, अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी, भूमाफिया के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। नोट लेकर वोट बेचने वाली मायावती इस पर कुछ ना ही बोले तो अच्छा है। राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव था, इसके कारण से पुलिस कमिश्नर के रूप में पुलिस स्मार्टिंग पुलिस व्यवस्था के संचालन करने का निर्णय वो नहीं ले सके थे। आज आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार ने कैबिनेट में यह फैसला किया है कि पहले चरण में हम लखनऊ और नोएडा के अंदर पुलिस कमिश्नर के रूप में सेवा की शुरुआत करेंगे और भविष्य में यह सेवा हमारी सफल होगी, हमें पूरा विश्वास है। अन्य शहरों में भी सेवा को बढ़ाने का काम। अब मायावती जी तीसरे नंबर की यूपी में पार्टी हैं और वह पहले नंबर की पार्टी की तरह बयान ना दें, और पहले नंबर की पार्टी जो काम अच्छा कर रही है वो अच्छा करेगी, गुंडई नहीं चलने देगी, अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी, भूमाफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी। वोट लेकर के नोट लेकर के वोट बेचने वाली मायावती जी इस पर ना बोले तो अच्छा है। सपा बसपा में इच्छा शक्ति कमी का जिक्र करते हुए कहा, क्योंकि देखिए अब बात अगर करें कमीशन प्रणाली की तो इस सिस्टम को लागू करने की चर्चाएं लगातार पिछले 50 सालों से होती रही, लेकिन अब तक कोई भी सरकार इसे लागू करवा पाने में कामयाब नहीं हो पाई थी, वजह चाहे कोई भी रही हो। लेकिन अब केशव प्रसाद मौर्य ने बड़े तल्ख अंदाज में विपक्ष को घेरा है इस पूरे मामले को लेकर। इसके साथ ही साथ अब मायावती के बयान को लेकर उनकी ओर से पलटवार किया गया, कहा कि भविष्य में हमारी जो कोशिश है वो इसे और आगे बढ़ाने की इस प्रणाली को, और हम उस पर कामयाब होंगे, लेकिन मायावती तीसरे नंबर की पार्टी है, पहले नंबर की पार्टी की तरह बिहेव ना करें। लखनऊ में यूपी एजुकेशनल ऑफिसर एसोसिएशन का चुनाव संपन्न हुआ, नए पदाधिकारियों के नामों की घोषणा भी हो चुकी है। यूपी एजुकेशनल ऑफिसर एसोसिएशन का चुनाव संपन्न हुआ, नए पदाधिकारियों के नामों की हुई घोषणा। यूपी एजुकेशनल ऑफिसर एसोसिएशन का चुनाव संपन्न, नए पदाधिकारियों के नामों की हुई घोषणा। यूपी एजुकेशनल ऑफिसर एसोसिएशन का चुनाव संपन्न, नए पदाधिकारियों के नामों की हुई घोषणा। यूपी एजुकेशनल ऑफिसर एसोसिएशन के चुनाव संपन्न हुए, नए पदाधिकारियों के नामों की घोषणा भी हुई। यूपी एजुकेशनल ऑफिसर एसोसिएशन का चुनाव संपन्न हुआ, नए पदाधिकारियों के नामों की घोषणा हुई। संवाददाता हैं
एसके, जरा पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे। चुनाव संपन्न हुआ, पदाधिकारियों के नामों की भी घोषणा हो चुकी है। बिल्कुल, यूपी एजुकेशनल ऑफिसर्स एसोसिएशन है जो कि शिक्षा विभाग के ऑफिसर्स का एसोसिएशन है, उसका चुनाव हुआ था। ये चुनाव संपन्न हो गया, आज वो सूची भी जारी हो गई जो पदाधिकारी नए बने हैं, जिसमें अगर हम बात करें यूपी एजुकेशनल ऑफिसर्स एसोसिएशन के जो अध्यक्ष बने हैं वो कौस्तुभ कुमार है, जो की जेडी के पद पर तैनात है इस समय चित्रकूट धाम मंडल में, उनको एसोसिएशन ने अपना अध्यक्ष बनाया है। वही उपाध्यक्ष की अगर हम बात करें तो सोमारू प्रधान है, जो की हम कहें कि सह ज्वाइंट निदेशक है, वो प्रयागराज में तैनात हैं, और साथ ही साथ महासचिव समेत 7 ऐसे पद हैं जिनकी घोषणा आज एसोसिएशन ने कर दी है। तो निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो यूपी एजुकेशनल जो एसोसिएशन है, जो ऑफिसर्स का एसोसिएशन है, उसका चुनाव संपन्न हुआ था, जिसमें जेडी से लेकर जो बाकी नीचे के ऑफिसर्स हैं उनको सर्वसम्मत से एसोसिएशन ने अपने पदाधिकारी चुना है। 7 पदाधिकारियों की तैनाती हो चुकी है, जिनकी लिस्ट आज विभाग ने जारी कर दी। जी चलिए, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। देखिए, नए पदाधिकारियों के नामों की घोषणा हो चुकी है, चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। कन्नौज पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव, छिबरामऊ बस हादसे में घायल से मिले अखिलेश, त्रिवा मेडिकल कॉलेज में जाएंगे अखिलेश यादव। त्रिवा मेडिकल कॉलेज पहुंचकर जानेंगे घायलों का हाल, छिबरामऊ फायर स्टेशन का भी करेंगे निरीक्षण। छिबरामऊ के आवास विकास में हुआ था सिलेंडर विस्फोट। छिबरामऊ बस हादसे में घायलों से मिले अखिलेश, त्रिवा मेडिकल कॉलेज में जाएंगे अखिलेश यादव। सरकार ये टेलीफोन की कंपनियों से बात करे, सूचना दे कि आखिरकार कितने लोग इसमें मोबाइल के साथ सफर कर रहे थे, और सरकार एक मोबाइल नंबर जारी करे, एक सरकार नंबर जारी करे और जनता में प्रचार करे कि अगर किसी के परिवार के सदस्य की जान गई है या घर नहीं लौटा है, सूचना मिलने के बाद, जानकारी मिलने के बाद सरकार बताए कि कितनी संख्या थी लोगों की, क्योंकि सरकार संख्या छिपा रही है। हमने मांग की थी कि जो इन परिवारों के सदस्य की जान गई है उनके 10 लाख से ऊपर मदद हो, और सरकार के पास पैसा बहुत है, समाजवादी सरकार में आप जानते हो क्या मदद होती थी, 10 लाख की मदद करे, घायलों की मदद करे, क्योंकि घायलों की मदद नहीं मिली है, घायलों की जो मदद होनी चाहिए थी वो मदद नहीं मिली है। सरकार एजेंट को ढूंढ रही है, मालिक को क्यों नहीं ढूंढ रही है, मालिक का पता क्यों नहीं जारी कर रही है सरकार। और ये घटना पहली नहीं हुई है इस मालिक की ट्रेवल्स की, घटना पहले भी हुई है, तो कहीं ना कहीं मिली भगत है, नियमों को तोड़ा गया है तब बस बनी है, किस चेसिस की थी, लंबाई बढ़ाई गई है, और आज टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, टावर है। सरकार नोएडा के विधायक पंकज सिंह ने जौनपुर पहुंचकर गोरखपुर से सांसद रवि किशन के पिता श्याम नारायण शुक्ला को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। तस्वीरें उस दौरान की आप देख रहे हैं, सांसद रवि किशन के पिता को श्रद्धांजलि दी जौनपुर पहुंचकर। ये पंकज सिंह की तस्वीरें आप उस दौरान की देख रहे हैं, श्याम नारायण शुक्ला को भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे नोएडा से जौनपुर, सांसद रवि किशन के पिता को दी है श्रद्धांजलि। तेरहवीं का कार्यक्रम है हमारे गोरखपुर से, माननीय सांसद श्री रविकिशन जी हैं, पिताजी का 13वीं कार्यक्रम है, तो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं भी यहाँ पर आया हूँ। आज तो 13वीं का कार्यक्रम है हमारे गोरखपुर से, माननीय सांसद श्री रविकिशन जी हैं, पिताजी का 13वीं कार्यक्रम है, तो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं भी यहाँ पर आया हूँ। आज तो 13वीं का कार्यक्रम है हमारे गोरखपुर से, माननीय सांसद श्री रविकिशन जी हैं, पिताजी का 13वीं कार्यक्रम है, तो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं भी यहां पर आया हूं। आज तो 13वीं का कार्यक्रम है हमारे गोरखपुर से। और खबर दिल्ली से है, नस्ल मीडिया ने रतन टाटा के खिलाफ में केस जो था वो वापस ले लिया। रतन टाटा के खिलाफ मानहानि का केस वापस लिया। टाटा ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वाडिया की मानहानि करने की मंशा नहीं थी, वाडिया ने जवाब संतुष्ट होकर केस वापस लेने का फैसला लिया है। 2016 में मानहानि का केस दायर किया गया था, निदेशक मंडल से हटाए गए जाने पर वाडिया ने केस किया था। निदेशक मंडल से हटाए जाने पर वाडिया ने केस किया था। नस्ली वाडिया ने रतन टाटा के खिलाफ केस अब वापस ले लिया है। रतन टाटा के खिलाफ मानहानि का जो केस दर्ज किया गया था वो वापस लिया गया।
टाटा ने एससी यानी सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वाडिया की मानहानि करने की मंशा नहीं थी। वाडिया ने जवाब से संतुष्ट होकर केस वापस लेने का फैसला लिया। गाजियाबाद में मोबाइल फोन झपटना युवक को भारी पड़ गया, भीड़ के हत्थे चढ़ गया युवक, लोगों ने जमकर धुनाई की। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। गाजियाबाद तहसील के पास का ये वीडियो बताया जा रहा है, युवक ने युवती से मोबाइल झपटा था लेकिन ये भीड़ के हत्थे चढ़ गया, इस मोबाइल छीना लेकिन जब ये भीड़ के हत्थे चढ़ा तो देखिए किस तरह से जमकर इसकी सड़क पर पिटाई चल रही है, चप्पल जूते लात घूसे सब पड़ रहे हैं इस पर। पहले बच्चे पालने भारी पड़ रहे, महंगाई का दौर है, ये अपनी एक्सप्रेशन मारा रहे हैं। शिवम गौतम से तुम्हारे संवाददाता है, शिवम अभी तक इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ पुलिस के हवाले से किया गया कि नहीं? देखिए हाँ, लड़की के तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया, हालांकि एक चोर मौके से फरार हो गया था। ये पूरी घटना सियानी के थाना क्षेत्र के तहसील के बाहर की बताई जा रही है कि दो लड़कियां जब वहां पहुंची थी किसी काम को लेकर तो बाइक सवार युवक आए और फोन छीनने की कोशिश की थी। हालांकि भीड़ ने वक्त रहते एक चोर को मौके पर पकड़ लिया था और उसकी वीडियो भी आई है मारपीट की, तस्वीरों में साफ तौर से देखी भी जा सकती है। हालांकि पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देने के बाद उसे मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। चलिए शिवम बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, युवक की पिटाई की तस्वीरें आप भी देख रहे हैं। दरअसल यहां पर भाग्यवश इस बार लड़की का फोन बच गया और ये लोगों के हत्थे चढ़ गया, उसके बाद पुलिस ने इसे अपनी गिरफ्त में लिया। देखिए किस तरह से उसके पास की जमकर पिटाई चल रही है। अलीगढ़ में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, युवक ने मोबाइल टॉवर पर चढ़कर हंगामा किया, सूचना पर पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर उसे नीचे उतारा। युवक का भाई 2.5 लाख रुपए लौटा नहीं रहा था, मांगने पर झूठ केस में फंसाने की धमकी दे रहा था। युवक की शिकायत पर पुलिस ने नहीं की कार्रवाई, पुलिस की कार्रवाई न करने से नाराज युवक टॉवर पर चढ़ गया। सासनी गेट थाना इलाके के जय महल का ये पूरा मामला है जहां पर आप देख रहे हैं टॉवर पर चढ़कर युवक, आप देखिए यहाँ पर बैठा रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर उसको नीचे उतारा। युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, अलीगढ़ की तस्वीर आप देखिए। सूचना पर पुलिस प्रशासन यहां पर पहुंचा, इसका भाई इसके पैसे वापस लौटा नहीं रहा था, इसने पुलिस को इस पूरे मामले को लेकर मामला दर्ज कराना चाहा तो पुलिस ने इसकी बात सुनी नहीं, कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे खफा होकर ये टॉवर पर जा चढ़ा। जिसके बाद जब पुलिस को इस बारे में सूचना मिली तो पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए, जिसके बाद पुलिस महकमे के लोग मौके पर पहुंचकर समझा बुझाकर इसे नीचे उतारने में कामयाब रहे। पीलीभीत के टाइगर रिजर्व में रहा चलते राहगीरों को बाघ दिखा, फिर क्या था, राहगीरों ने बाघ का वीडियो बनाना शुरू कर दिया, बाघ भी खड़े होकर अपना वीडियो बनवाता रहा। राहगीरों ने उस वीडियो को वायरल किया जो अब सामने आया, आप भी देखिए टीवी स्क्रीन पर बाघ का ये लाइव वीडियो। माला कॉलोनी माला जंगल में टाइगर रिजर्व में बाघ, सुबह का नजारा है, देखिए बाघ का ये लाइव वीडियो वायरल हो रहा है। आमतौर पर लोग यहां से गुजर रहे थे, जैसे ही सुबह सवेरे ये बाघ नजर आया लोगों ने तुरंत से अपना फोन निकालकर बाघ का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। और उसके बाद यहां पर देखिए जैसे जैसे वीडियो बन रहा है बाघ भी आराम से अपनी धुन में आगे बढ़ रहा है और लोग खुद यहीं से रिपोर्टिंग करने लग गए, अपना वीडियो बनाया, पूरे नजारे को दर्शाया और उसके बाद एक दूसरे के साथ साझा करते करते ये वीडियो वायरल हो गया। टाइगर रिजर्व के माला रेंज का ये वीडियो, माला कॉलोनी माला जंगल में टाइगर रिजर्व में बाघ, सुबह का नजारा है,
काला कॉलोनी। लखनऊ में नकली नोट छापने के कारोबार का खुलासा, 100 और 50 रुपए के नकली नोट के साथ दबोचे गए आरोपी। 21,750 रुपए की नकली नोट मौके से बरामद हुए। कलर प्रिंटर 100 और 50 रुपए की डाई बरामद। आरोपी राम कमल यादव, सतीश कुमार पांडे पुलिस के हत्थे चढ़े। पिछले 1.5 साल से नकली नोट छापने का काम करते थे आरोपी। 40% पर मार्केट में सप्लाई करते थे ये नोट। पिछले 1.5 साल से नकली नोट छापने का काम करते थे। 40% पर मार्केट में सप्लाई करते थे नोट। नकली नोट छपने के कारोबार का खुलासा हुआ। 100 और 50 रुपए के नकली नोट दरअसल यहां छापे जा रहे थे, जिसके बाद ये आरोपी दबोचे गए हैं। 21,750 रुपए के नकली नोट मौके से बरामद भी हुए हैं। चलिए इसी के साथ फिलहाल 5 के बाद में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला जारी। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।